ये कहूंगा कि बगैर मल्चिंग के एक तो खेती ना करें और मल्चिंग पे करें, पैदावार बहुत अच्छी है। भाई भैया ने दोनों तरफ बांधा इसको। हाँ। अगर सिंगल बांस बांधा होता हाँ। तो सिंगल लाइन खड़ी होती तो उत्पादन और बढ़ जाता। अभी ये पौधे से पौधे की दूरी लगभग इनकी 2 फीट है, इसमें अभी इसको घटाया जा सकता था, एक फीट भी की जा सकती थी हीरा के लिए, 1 फीट बधाई के लिए। ये इसमें ऐसा लगता है जैसे आपने कहा हेलीकॉप्टर डोज इसको भी दिया। हाँ, एक डोज इसमें दी है, एक डोज, बस एक ही डोज दी है, 40 दिन में एक डोज। हाँ, मुझे तो वो परफेक्ट एक डोज लगी है, तो मैं उसको कहीं छोड़ता भी नहीं हूँ, कहीं भी हो मुझे डालनी है। मतलब देख भी तो लिया करो कभी कभी कि शायद ये ना काम करती हो, वैसे ही अपने आप उत्पादन हो। मुझे हर पौधे में एक अलग हटके जैसी मैं डालता हूँ, मुझे तुरंत उसका असर पड़ जाता है। अच्छा, डोज डालने की कितने समय बाद असर मिलता है? 2-3 दिन बाद अलग अंतर। हाँ, 2 दिन बाद अलग। मैंने देखो टमाटर में है, बैंगन में है, मिर्च में है, इसमें भी है, मैंने डाल के हर चीज में। नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये हरगोविंद भैया का फार्म है और मेरे पड़ोसी हैं, मेरे यहाँ से 6-7 किलोमीटर के अंतर पर है। और ये खीरा का प्लॉट है, बगल में टमाटर है, पीछे बैंगन है, मिर्च है 10 नंबर। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ आपको ये दिखाने वाला हूँ कि यहाँ खीरा लगा हुआ है, हाइब्रिड की वैरायटी है, और कुछ बंधा हुआ है, कुछ बिना बंधा हुआ है, और तो उसमें अंतर डिफरेंस आप देखेंगे। चलिए पहले हरगोविंद भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते। तो आपने ये खीरा लगाया कब लगाया था? जी 20 मार्च। अच्छा, 20 मार्च की बुवाई है? हाँ, 20 मार्च को बुवाई। तो आज 25 अप्रैल है, मतलब 45-40 दिन के लगभग। हाँ। 20 दिन 40। हाँ, 40 दिन 40 का है, 20 मार्च से 20 अप्रैल और आज 28 अप्रैल है, 30-40 हाँ लगभग 38-40 दिन का हुआ। तो ये तो फ्रूटिंग पे है। हाँ, ये इसने कहीं कहीं एक आध छोटा 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 फल दिया है। इसकी तुड़ाई हो गई है? और अच्छा, कल मैंने तुड़ाई की थी। अच्छा, तो 2 क्विंटल में तोड़ के ले गया था, परसों भी 2 दिन पहले भी तोड़े थे 1 क्विंटल उस दिन। 40 दिन के अंदर अंदर इसकी तुड़ाई चालू है? हाँ, चालू है और बढ़िया निकासी है। अच्छा। अब आज भी इसकी तुड़ाई करनी पड़ेगी, 1 क्विंटल खाड़ आज भी निकालूंगा। मतलब 1 क्विंटल के लगभग जी लगभग कितना, आधे बीघा का लगभग एरिया होगा ये? हाँ, मोटा मोटा। हाँ, और बीच में जगह भी पड़ी है बहुत सारी। हाँ, बहुत जगह भी है। तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो लाइन ही है कुछ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 150-150 फुट की 9 लाइन है। हाँ, 150 से भी कम हो, ऐसी 150 के लगभग की। तो 150 में 1 क्विंटल पर डे की तुड़ाई बहुत अच्छी तुड़ाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वो पर डे 1 क्विंटल की तुड़ाई है ये, इसमें 1 क्विंटल कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। तो ये रेट कैसा है इसका? रेट तो रेट अभी डाउन चल रहा है, डाउन चल रहा है। खेती कैसी है ये खीरा की? खेती बढ़िया खेती है और अच्छी खेती है, लेकिन बंधाई वाले में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट समझ में आ रहा। अच्छा, है इससे ज्यादा उसमें? हाँ, उसमें ज्यादा समझ में आ रहा बंधाई वाले। देखते हैं बंधाई वाला, मतलब आप बंधाई तो कम कर पाई है आपने? हाँ, कम कर। ट्राई के लिए किया था साहब जी? ट्राई की है आपने? हाँ, ये ट्राई की है। मुझे ये देखना था कि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि समान सर आ रहा है। इसका आ रहा है? हाँ। तो आपको कौन में अंतर दिखा? इसमें अच्छा समझ में आ रहा है, जो अपर वाला है, जो बनाई वाला। ये खीरा बढ़िया मस्त लगा हुआ है यार, इतना बढ़िया है यार। को इसको तोड़ लूं? हाँ, बिल्कुल तोड़ लूं। खाना खा के भी देखा कैसा लगता है, एकदम सॉफ्ट मीठा भी है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो इससे इसका उत्पादन कितना होगा, दुगना होगा कि डेढ़ गुना? हाँ, इसका दुगना होगा, दुगने से कम नहीं है इसका। अब ये छोटे छोटे ये जंगे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत जल्दी निकल रहा है। हाँ, ये कल तुमको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये दो बार टूट जाता है, ये एक बार टूटता है? हाँ, नहीं इसमें तुड़ाई तो बराबर, यानी कि सभी की बराबर करनी पड़े, लेकिन फल इसमें ज्यादा निकलता है। इसमें ज्यादा, मतलब इसमें 2 ऐसा? हाँ हाँ हाँ, बस इसी हिसाब से। जो बहुत बड़ा अंतर है, देखिए ये काम की चीज है, सेम कंडीशन सेम केयर में अगर आप खीरा को टांगते हैं तो दोगुना उत्पादन लेते हैं। और काम की बात है कि जैसे ये बीच में जगह पड़ी है जी, यहाँ फैल जाएगा,
जब इसको तोड़ेंगे तो इसकी बेलें टूट जाएंगी। अगर ये बन खड़ा हो तो इसको बैट से बैट की दूरी और घटाई जा सकती है। हाँ, जैसे भैया ने दोनों तरफ बांधा इसको। हाँ, अगर सिंगल बांस बांधा होता हाँ, तो सिंगल लाइन खड़ी होती तो उत्पादन और बढ़ जाता। अभी ये पौधे से पौधे की दूरी लगभग इनकी 2 फीट है, इसमें अभी इसको घटाया जा सकता था, एक फीट भी की जा सकती थी। खीरा के लिए 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी काफी होती है। हाँ, बधाई उत्पादन होता है बधाई के लिए। ये इसमें ऐसा लगता है जैसे आपने कहा हेलीकॉप्टर डोज इसको भी दिया। हाँ, एक डोज इसमें दी है, एक डोज बस, एक ही डोज दी है 40 दिन में एक डोज। हाँ, अच्छा, तो डोज का असर कैसा लगा? कहीं ऐसी भी जगह है जिसमें डोज ना दी हो आपने? नहीं, ये तो नहीं मैंने कहीं छोड़ा। अच्छा। मुझे तो वो परफेक्ट एक डोज लगी है। हाँ। तो मैं उसको कहीं छोड़ता भी नहीं हूँ, कहीं भी हो मुझे डालनी डालनी है। मतलब देख भी तो लिया करो कभी कभी कि शायद ये ना काम करती हो, वैसे ही अपने आप उत्पादन हो। मुझे हर पौधे में एक अलग घट की जैसी मैं डालता हूँ मुझे तुरंत उसका असर पड़ जाता है। अच्छा, डोज डालने की कितने समय बाद असर मिलता है? 2-3 दिन बाद अलग अंतर। हाँ, 2 दिन बाद अलग। हाँ, तो मैं फिर उसमें क्यों पौधे को छोड़ूं? मुझे ये यानी उम्मीद के बाहर ही है, मैं क्यों उस एक पौधे को बर्बाद करूं? मैं नहीं करूंगा, मैं तो उसमें भी दबा डोज दूंगा। यार थोड़ा देख तो लेना चाहिए रिजल्ट उसका, 1-2 पौधे 4 पौधे जैसे देखूंगे तो क्या प्रॉब्लम? मैंने देखो टमाटर में है, बैंगन में है, मिर्च में है, इसमें भी है, मैंने डाल के हर चीज में दिख ली। जब मुझे 1 या 2 चीज में वो डोज असर करती हुई दिखाई दी तो मैं फिर उस एक पौधे को क्यों छोड़ूं? मेरा तो ये है लक्ष्य, इस वजह से मैंने एक भी पौधा नहीं छोड़ा। ये खीरा की वैरायटी कौन सी है? बेली BSF का। हाँ, BSF का खीरा बढ़िया है, हाइब्रिड का है। थोड़ा इसमें देसी लोग कम है, सफेदी ज्यादा है, और जो यहाँ हमारे यहाँ लोकल की मंडी है उसमें देसी खीरा बिकता है कांटेदार, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, थोड़ा इसकी कम होती है। जैसे ये है, अभी देख रहे हैं ये छोटा है तो इसमें ये कांटा है, इसका ये कलर है, तो मेरी मंडी में ये ज़्यादा बिकता है। जैसे अब ये बड़ा हो जाएगा तो जैसे सफ़ेद हो जाएगा जी, तो ऐसे आएगा। तो भैया किसानों को कुछ बताना चाहेंगे खीरा के बारे में, कि लोगों का अच्छे से अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, मैं तो किसानों को ये कहूँगा कि बगैर मल्चिंग के एक तो खेती ना करें, और मल्चिंग पे करें, पैदावार बहुत अच्छी है मल्चिंग पे। हाँ, मतलब प्लेन से मल्चिंग पे कई ज़्यादा है, कई ज़्यादा है। मल्चिंग पर करें, लेबर खर्च बचेगा और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है उसमें। अच्छा। और इसमें दवा खाद तुम्हारी दुरुपयोग नहीं जाती है, पूर्णता पौधे को मिलती है। और ये जुगाड़ आपने इसमें भी फिट की है? हाँ। इसमें भी आपने 2 फीट की मल्चिंग यूज की? हाँ, इसमें भी मैंने सारी जगह मैंने 2 फीट का ये नया एक बना के बस किया है। देखिए, अगर आदमी दिमाग लगाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके, ये कितनी बड़ी बात होती है। 4 फीट 3 फीट 6 फीट चलता है, मेरे विचार से 2 फीट की मल्चिंग आप भी पहली बार देख रहे होंगे, और 2 फीट की मल्चिंग मैंने भी देखी, मुझे कहीं किसी पौधे में ऐसा नहीं लगता कि इसको 4 फीट होना चाहिए था। तो ये कमाल की बात है, बेड घने भी हो जाएंगे इससे, एरिया कम लगेगा, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, और मल्चिंग का खर्चा बिल्कुल एकदम आधा हो जाएगा। ये आपकी खोज बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, लोगों का मल्चिंग का खर्चा बचेगा, और अच्छे उत्पादन के लिए और कोई जानकारी देना चाहेंगे लोगों को कि कोई दवा ववा कोई खाद वाद वगैरह ऐसी डालें? हाँ, इसमें बस मैं तो वही खाद जानता हूँ जो मेरे गुरु परमात्मा देव भैया जी बताते हैं, बस वही खाद जानता हूँ कि वही मिक्सर वाली खाद बनाओ, जो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर डोज, सीधी हेलीकॉप्टर, बस वही डोज जानता हूँ मैं तो। और उसके अलावा मैं सिंगल ना यूरिया जानता हूँ ना DAP, मैंने यूरिया का कहीं भी प्रयोग नहीं किया। अच्छा। मैं गर्मियों के सीजन में मुझे बताया था कि है यूरिया का प्रयोग नहीं करना, भैया ने बताया था, तो मैं यूरिया का कहीं भी प्रयोग नहीं करता हूँ। इसमें असल में क्या होता है भैया, गर्मियों में जैसे यूरिया मतलब होता है नाइट्रोजन। हाँ। जितने ये टेम्परेचर है पौधे को ऊपर से, ये हमारा जो पौधा होता है ये नीचे से लेता है 30%, ऊपर से लेता है 70%, तो वातावरण से जो भोजन इसको मिलता है वो नाइट्रोजन ही होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन इसको ऊपर से मिलती जाएगी, बाकी के न्यूट्रिशन अगर आप इसको नीचे से देते हैं तो गर्मियों के सीजन में पौधा नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं करता। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, इसलिए सर्दियों में नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को ज़्यादा होती है।
अभी आप कहीं भी देख लीजिए, आप कोई भी पौधा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी इसमें नाइट्रोजन की कमी है। और देखिए नाइट्रोजन दी नहीं गई है। तो ये खेती है, तकनीक है, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, भैया ने अपना दिमाग लगाया, आप भी अपना दिमाग लगाइए और एक दूसरे से जानकारी लीजिए, समझिए, जानना ज़रूरी होता है, एक दूसरे से पूछते जाइए, सीखते जाइए। पर जितना ज़्यादा आप खुद से सीख पाएंगे उतना ज़्यादा ना तो दुनिया की कोई किताब आपको सिखा पाएगी, ना दुनिया का कोई डॉक्टर और ना मेरे जैसा कोई व्यक्ति। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा दूसरे से, बस एक आप मैं दाल में नमक की तरह थोड़ी जानकारी ली, जैसे आपको ये क्लू मिल गया, ज़मीन से ज़्यादा अगर दुगनी पैदावार इसमें होगी, अब खर्चा कितना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने निकाला 2000 रुपये का, यहाँ निकला 4000 रुपये का, तो बनाई में आपका खर्च 2000 नहीं जाएगा, मुश्किल से 500 रुपये जाएगा। तो अगर 500 रुपये आपका बनाई का खर्च आया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये में आपका 1500 रुपये बचा। तो अगर हम खेती करते हैं, किसान अगर मेहनत से डरे तो फिर उसको खेती नहीं करना चाहिए। खेती में मेहनत भी होती है, थोड़ी सी लागत भी होती है, और देखिए इसमें बंधाई में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपने एक बार बांध दिया, उसके बाद बेल चलती जाएगी, एक दूसरे को सहारे से पकड़ती चली जाएगी। खीरा की बंधाई बहुत सरल है। टमाटर एक ऐसी बेशरम चीज़ होती है जो 5-6 बार बांधना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें हैवी वेट होता है, इसमें ज़्यादा वजन भी नहीं होता है क्योंकि इसकी तोड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। और इसी बीच में आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ, खीरा के लिए जब बेहतरीन अगर आपको उत्पादन चाहिए तो आप खीरा में हमेशा एक 10 दिन के अंतराल पर इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान का स्प्रे देते रहिएगा। बोरान हमेशा ऐसे 20 ग्राम एक 15 लीटर के पंप में डाल दीजिए, 50 ग्राम मैग्नीशियम डाल दीजिए, 50-60 ग्राम कैल्शियम डाल दीजिए, दोनों को तीनों को अलग अलग घोलिए, बिल्कुल अलग अलग बाल्टी में जब घोल बनाएंगे उसके बाद टंकी में मिलाइए, जब घोल पूरी तरह गायब हो जाए, पानी दिखे सादा पानी जैसा हो जाए तब समझिए घुल गया, उसके बाद आप मिलाते जाइए डालते जाइए, नुकसान नहीं करेगा, उसको बेनिफिट होगा। 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन 12 दिन इस अंतराल पर अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका उत्पादन फिर 1.5 गुना हो जाएगा। ये काम कीजिए, जो जानकारी मेरे पास थी, भैया के पास थी, भैया ने आपको दी, मैंने भी आपको दी। और कोई बात अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा यार, ज़्यादा किसानों को पहुँचे और लोगों का थोड़ा बहुत भला हो, आपका हो रहा है, अन्य का भी हो। यहीं पर रुकते, नमस्कार।